दतिया में एक विकास पुरुष की भांति गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा विकास की गंगा बहाने में लगे हैं। इसी कड़ी में उन्होंने एक बार फिर से विकास कार्यों का भूमि पूजन किया और जनता से वादा किया कि दतिया के विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। हालांकि इस दौरान उन्होंने विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने वालों का भी जिक्र किया। देखिए खास रिपोर्ट। दतिया के विकास पुरुष बने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने दी फिर सौगात। नवीन जिला जेल का होगा निर्माण, निर्माण कार्यों का किया भूमि पूजन। दरअसल दतिया पहुंचकर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने स्थानीय भांडेर रोड पर नवीन जिला जेल व आवासीय भवनों के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन किया। विकास कार्यों के भूमि पूजन के दौरान डॉक्टर मिश्रा ने कहा कि 51,96,00,000 की लागत से बनने वाली इस जेल का जल्द ही निर्माण शुरू होगा। दतिया के लिए एक बड़ी सौगात है। सब दुकान हो जाएंगे आने वाले साल दो साल में। ये रोड हमारी बहुत विकसित उनाव रोड की तरह विकसित होगी। उनाव रोड पर जैसे हमने एयरपोर्ट बना के खैरी तक के एकदम स्पष्ट स्थिति कर दी है, शानदार रोड हो गई है। ऐसे ही अब ये रोड भी हमारी विकसित रोड कहलाएगी और हर तरफ अब कोई रोड बचेगी नहीं जिस पर विकास की गंगा हमारी नहीं बह रही होगी, जहां पर कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार के अवसर नहीं उपलब्ध हो रहे होंगे। ये जेल ऐसी जेल बनने वाली है मेरे मित्रों कि ग्वालियर चंबल संभाग में इससे अच्छी जेल होगी नहीं। मध्य प्रदेश में अंडा बैरक सिर्फ एक स्थान पर है, वो है भोपाल। भोपाल के बाद अंडा बैरक अगर कहीं बन रही है तो वो है दतिया। और इसलिए इतनी व्यवस्थित, जैसी ढेंगला साहब बता रहे थे आप, व्यवस्थित इतनी सुसज्जित इतनी आधुनिक ये जेल बनेगी। आप सबको बहुत बहुत बधाई शुभकामना। आप सब भोजन करके जाए, बहुत धन्यवाद। इसी तरह गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने विकास कार्यों में रोड़ा अटकाने का भी आरोप लगाया और ऐसे लोगों को जमकर आड़े हाथों लिया। पीड़ा पता है कब होती है? जब विकास में कोई रोड़ा डालता है, इसलिए लेके आता है। जैसे जेल के लिए, जैसे पीतांबरा के आगे मल्टी पार्किंग बन रही है, उन्होंने कहा कि पहाड़ पे हमारे पूर्वज रहते थे तो उसका कोर्ट में लगा दिया स्टे के लिए। यहाँ पीड़ा होती है। अभी मैंने एक उनका ट्वीट देखा, वो अस्पताल की आलोचना कर रहे थे, कल कोई अस्पताल में जांच में लेट हो रहे थे। अरे आदरणीय, तुमको तो मरा घोषित कर दिया था, दतिया अस्पताल नहीं बचाया है। ये स्थिति थी। लेकिन कम से कम उस जगह को तो छोड़ दो, जीवन दान देने वाली जगह है, उसको तो राजनीति का अखाड़ा मत बताओ। राजनीति के लिए बहुत सारी चीजें, आओ राजनीति करेंगे। अभी नगर पालिका चुनाव थे, कर लेते। जिला पंचायत चुनाव निकले, कर लेते। जनपद निकली थी तब कर लेते। चुनाव में तो ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे गधे के सिर से सींग गायब होते हैं। राजनीति यहां करनी चाहिए, करो। हाथ में खंजर नहीं, आंखों में पानी चाहिए। ऐ खुदा, दुश्मन भी हमको खानदानी चाहिए। ऐसे ऐसे लोगों से पाला पड़ गया है जैसे मक्खी है ना, कितने भी नवे धुवे बैठे हो वो आएगी तो घाव पे ही बैठेगी। ऐसे ये लोग हैं। ये सिर्फ आलोचनाओं का इनका एक अपना एक स्तर है। ये कभी ये नहीं बता सकते 55 साल आजादी के बाद से एक ही परिवार चुनाव लड़ रहा है। 55 साल से 55 साल में 35 साल विधायक रहे, पर 35 साल की कोई उपलब्धि नहीं बताएंगे। हमारी कमियां बताते रहते हो। अरे हमारी कमियां देखने को जनता है भी, वो बताएगी। तुम्हारा भी हिसाब करेगी, हमारा भी करेगी। कायदा ये कहता है कि तुम अपनी उपलब्धि बताओ, नहीं हो तो कुछ करके लाए हो वो बताओ, हम अपनी बताएं। तुमने 15 महीने में क्या किया है तुम बताओ, हम बताएंगे। जनता को जो पसंद आएगा उसका बटन दबाएगी, उस पर मोहर लगाएगी आपका। वही विकास कार्यों के भूमि पूजन के दौरान गृह मंत्री डॉक्टर उत्तम मिश्रा ने जेल के निर्माण का पूरा प्रोजेक्ट बारीकी से देखा और आवश्यक दिशा निर्देश दिए। ब्यूरो रिपोर्ट, MP News, दतिया।